अगर आप में से किसी ने भी चालाकी से ऊपर आकर मुझे नीचे ले जाने की कोशिश की तो आप सबको एक दूसरे की कसम। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, कोई कोई ऊपर नहीं आएगा, कोई ऊपर नहीं आएगा, हाँ कोई नहीं आएगा, ठीक है। शाबाश परमात जी, बागानी जी आ नहीं रहे, हम ऊपर जा नहीं सकते। मुझे तो कल का टेंशन है। कल क्या? ऑफिस। क्या मेहता साहब, आप भी इधर बाग इतना परेशान है और आपको ऑफिस का टेंशन है। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त वाला बॉस नहीं समझता है। तो छुट्टी ले लो ना। बागा क्या हो गया है तुझे? हमारे परिवार जैसे गोकुलधाम वालों को और हमारे सेठ जी हमारे अन्नदाता को परेशान कर रहा है तू। और मेरी किस्मत ने मुझे इतना परेशान किया उसका क्या? अरे तेरी किस्मत ने तुझे परेशान किया, इसमें ये सबका क्या कसूर? तो और बेटा, किस्मत का ज्यादा मन पर नहीं लेने का। तुझे तो पता है ना, मेरे किस्मत हर तीसरे दिन मेरे साथ कोई ना कोई कांड करती रहती। अब ये हर तीसरे दिन मैं तेरी तरह से रेलिंग पर चढ़ जाऊं तो फिर धंधा कब करूं? चल चल बेटा नीचे आ जा, देख कल 50 टीवी की डिलीवरी करनी है, वो भी फिटिंग के साथ। हां चल चल आ जा आ जा। हां वाह सेठ जी वाह, या मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और आपको फिटिंग की पड़ी है। किसी आशिक ने बहुत सच कहा है, पैसा हमेशा प्यार पे भारी पड़ा है, टू हैवी ऑन हार्ट। जेठा जी सही तो बोल रहा है वो, आप अभी फिलहाल टीवी की बात मत कीजिए ना प्लीज। नीचे आ जाए ना, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसा बोला, क्योंकि वो एकदम कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ आदमी। कर्मठ कामधा, कामधा अरे मतलब उसको काम से बहुत लगाव है, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा बोला ताकि वो नीचे आ जाए। अच्छा अच्छा ओके चलो। सॉरी सेठ जी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं नट्टू काका? मेरे भतीजे की वजह से आप सब परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं वो कुछ नटू काका, आप चिंता मत कीजिए, एक बार मैं प्यार से समझाने की ट्राई करता हूँ कि वो रेलिंग के उस पार चला जाए। हाँ हाँ बागा जी 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 मेहता साहब, तू प्यारा इंसान है ना। हाँ। अगर मैं प्यारा इंसान होता तो बावरी जी मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? मेरे कहने का मतलब है कि तू अच्छा इंसान है ना। अगर मैं अच्छा इंसान होता तो भी बावरी जी मुझे छोड़ के क्यों चली जाती? ए बागा तू अभी बावरी को छोड़। नहीं गोली मैन, मुझे बावरी जी को छोड़ने के बारे में कभी मत कहना, मैं बावरी जी को कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर ऐसा दिन आया तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। कहाँ कुछ कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो बागा कर रहा है। कम ऑन हंस, बागा भाई नशे में है पर तुम तो होश में हो ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलू क्या ना बोलू। नक्का बोलू बागा, बागा तुम्हें जो भी बात करनी है नीचे आके बात करो। हाँ। तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ। ठीक है मेहता साहब, आप कहते हैं इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके नहीं, पहले आप बावरी जी को बुलाइए फिर मैं नीचे आता हूँ। के बावरी के बगैर नीचे नहीं आएगा मेहता साहब। अरे लेकिन अभी बावरी को लाए कहां से? मेरे पास एक आइडिया है। सुनो 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 बोलो वहीं से सुनो। अच्छा।
महिला से कर गया। उसको छोटा मोटा भूल जाए कि भाभी का फोन है। उसने कहा है कि नीचे उतर, फिर नीचे उतर जाएगा। ठीक है। वाह वाह, वेरी गुड। क्या बोल? मुझे सुना नहीं? नहीं, उधर सुना ही नहीं दिया। कैसे पता चला तेरे को? मैं तो फिर से बोली। मैं ये कह रहा था कि नट्टू काका बागा से बोलेंगे कि उन्हें बावरी का मैसेज आया कि वो गोकुलधाम सोसाइटी आ रही है। और जैसे ही ये बात सुन के बागा नीचे आएगा, हम उसे गोली खिला देंगे। अरे वाह 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 मत ऐसा वाह मस्त 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 बागा 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 गुड न्यूज है, ये बावरी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। अरे क्या सर जी, बावरी जी यहाँ आ रही है। हाँ, अभी मुझे उसका मैसेज आया। ले बोल। अच्छा, दिखाइए मैसेज, दिखाइए।